श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानी च तत्फलम समवाप्नोति सकृत नैवेद्य भक्षणे। हजारों अश्वमेध यज्ञ किया जाए, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ किए जाएं, तो उसका जो फल होता है एक बार भगवान का प्रसाद पाने से वो फल प्राप्त हो जाए। ये भगवान के प्रसाद की महिमा। तो यहां जो लोग केवल प्रसाद पा रहे हैं वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वृंदावन की पावन भूमि में धाम में विराजमान होकर इस वातावरण में रहकर कृष्ण के चरणों से संपृक्त ब्रज की रज में विहरण करते हुए भगवान का प्रसाद पाकर के जो पड़ा है वो भी भजनानंदी ही है, भगवान का भजन कर। ऐसा सुंदर सुअवसर पूज्य महाराज श्री के संकल्प से हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। आज यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति है। यज्ञ में जो अंतिम आहुति होती है उसी को पूर्णाहुति कहते हैं, और पूर्णाहुति का दर्शन करने से व्यक्ति की सारी कामनाएं पूर्ण होती है। वेदों में लिखा है कि पूर्णाहुत्या सर्वान कामान अवाप्नोति, पूर्णाहुत्या सर्वान कामान अवाप्नोति। जिस समय यज्ञ में मंत्रोच्चार पूर्वक आचार्य लोग पूर्णाहुति करते हैं उस समय उस दृश्य का दर्शन करके प्रणाम करने से जीव की कामनाएं पूर्ण हो जाती। यज्ञ की अंतिम आहुति पूर्णाहुति। ये पूर्णाहुति किसके लिए होती है? बोले सभी यज्ञों में पूर्णाहुति होती है। देवी का यज्ञ हो तो उसमें भी जो अंतिम आहुति होगी उसका नाम पूर्णाहुति। भगवान शिव का यज्ञ हो तो उसमें भी जो अंतिम आहुति वो पूर्णाहुति। भगवान का यज्ञ हो तो उसमें भी अंत में जो आहुति वो पूर्णाहुति। तो ये पूर्णाहुति किसके लिए? बोले पूर्णाहुति का मतलब है पूर्ण माने परमात्मा। भगवान का ही नाम पूर्ण है। पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्य कीर्ति ही परात्परः। भगवान का ही एक नाम पूर्ण है, और जब तक भगवान जो पूर्ण परमात्मा है उन पूर्ण परमात्मा को जब तक आहुति न मिले तब तक कुछ भी पूरा नहीं हो सकता, सब अधूरा ही रहेगा। इसलिए चाहे भगवान शिव का यज्ञ हो, चाहे भगवती का यज्ञ हो, चाहे सूर्य भगवान का यज्ञ हो, अंतिम आहुति जो दी जाती है वो पूर्णाहुति किसको दी जाती है? बोले भगवान को ही दी जाती है। भगवान ही परिपूर्ण तत्व हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो उन पूर्ण परमात्मा को अंतिम आहुति दे दी जाती है, और जब भगवान को पूर्ण परमात्मा को आहुति दी जाती है तभी कोई भी कर्म पूर्ण होता है, तभी उसकी पूर्ति होती है। और पूर्णता तो भगवान में ही है, बाकी सर्वत्र अपूर्णता है। हम आप सब अपूर्ण हैं, न पूरा पूरा हमारे आपके पास ज्ञान है, न पूरा पूरा वैराग्य है, न पूरा धन है, न पूरी शक्ति है, सब कुछ अधूरा ही तो है। और केवल हम आप नहीं, संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मादिक देवता भी अपूर्ण हैं, कोई पूर्ण नहीं। उन पूर्ण का आश्रय लेने पर ही पूर्णता प्राप्त होती है। इसलिए सब प्रकार से उस पूर्ण परमात्मा के चरणों में समर्पित होना यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। परमात्मा वो दिव्य अग्नि है, परमात्मा वो दिव्य कुंड है, परमात्मा के चरणारविंद ही वो दिव्य वेदी है, जिस वेदी पर, जिस दिव्य कुंड पर हम अपने आत्मा की आहुति प्रदान कर दें,
आत्मसमर्पण कर दें, यही शरणागति महान याग है, महायज्ञ है। इसीलिए हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जब कोई वैष्णव दीक्षा ग्रहण करता है तो उसके पांच संस्कार होते हैं। तापह पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमीहि पंच संस्कारा परमैकांति हेतवे। इन पांच संस्कारों के संपन्न होने पर वह वैष्णव होता है, तभी उसकी वैष्णवता सिद्ध होती है। और ये पांच संस्कार क्या है? बोले पहले संस्कार में तो तापह, भगवान के आयुध शंख चक्र को पूजित करके अग्नि में प्रतप्त करके आचार्य उस शिष्य की भुजाओं में शंख चक्र का चिन्ह प्रदान करते, उसकी क्या जरूरत है? बोले इसको आप ऐसे समझो कि जैसे कोई दस्तावेज आपने लिखा, कोई प्रॉपर्टी आपने लिखाई अथवा किसी को लिखा, तो वह प्रॉपर्टी वो दस्तावेज पक्का तब होता है जब रजिस्ट्रार की उस पर मोहर लग जाए। रजिस्ट्रार की मोहर लग गई तब वो कागज पक्का, नहीं तो फिर कागज तो कागज है, उसका कोई मूल्य नहीं। उसी प्रकार विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम, आचार्य चरण कहते हैं कि ये विचित्र देह संपत्ति भगवान को समर्पित करने के लिए। और ये समर्पित कैसे होगी? बोले पक्की रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। और पक्की रजिस्ट्री कौन करेगा? बोले रजिस्ट्रार ही आचार्य हैं, जो जीव की इस देह रूपी संपत्ति को भगवान के नाम पर ट्रांसफर कर देते, मोहर लगा देते। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि देखो आप कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाओ तो उसमें दो काम होगा, या तो नफा होगा या तो नुकसान होगा, तीसरा तो कोई काम होगा नहीं। कोई भी कारोबार, फैक्ट्री लगाओ, कुछ भी करो, उत्पादन करो, तो उसमें दो होगा, या तो नफा या तो नुकसान। तो अगर नफा आपने झेला है तो नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। बोले महाराज हम नफा नुकसान दोनों से बचना चाहते हैं। बोले नफा और नुकसान दोनों से अगर बचना चाहते हो तो फिर अपनी फैक्ट्री किसी दूसरे को ट्रांसफर करो। उसी प्रकार ये शरीर जो है वो फैक्ट्री है जिसमें दो चीजों का उत्पादन होता है, एक नफा एक नुकसान। नफा क्या है? बोले पुण्य। और नुकसान क्या है? बोले पाप। पाप और पुण्य का प्रोडक्शन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। इस शरीर रूपी फैक्ट्री के द्वारा पाप और पुण्य का हम उत्पादन करते रहते हैं, कभी पुण्य करते हैं कभी पाप करते हैं। और ये पाप पुण्य दोनों बंधन के कारण है। नफा भी होगा तो आप शांति से नहीं रह सकते, सारा हिसाब करो, टैक्स दो, ये झंझट वो झंझट, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। उसी प्रकार पाप पुण्य भी बंधन के कारण है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा शुभा शुभ फलई रेवम मोक्ष से कर्म बंधन है। पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण, दोनों से बच जाएं इसका उपाय क्या है? बोले पाप पुण्य को उत्पन्न करने वाली जो फैक्ट्री है आपकी, ये आपका ये कारखाना है, इस कारखाना को ही किसी दूसरे के नाम पर कर दो। बोले किसके नाम पे करें? बोले भगवान के नाम पर कर दो। कौन करेगा? बोले कोर्ट में जाना पड़ेगा। बोले हाँ, संत की कोर्ट में आ जाओ, ये संत का दरबार ही वो न्यायालय है जहां पर आकर के जीव अपने शरीर रूपी संपत्ति को भगवान को अर्पित कर देता है। आचार्य क्या करते हैं? बोले साहब विधि विधान करके, पूजन करके, मंत्रोपदेश करके उसकी भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह अंकित कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं। ये शंख किसका है? बोले भगवान का। चक्र किसका है? बोले भगवान का। अब भगवान के शंख चक्र का स्टाम्प लग गया, मोहर लग गई, अब ये चक्र पाणी का है, अब ये संसार का नहीं है, अब ये भगवान का होता। यही ताप संस्कार है, तापह। और वैष्णव का प्रथम लक्षण यही है,
श्री वेद व्यास जी कहते हैं, जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जे बाहु मूल परिचिन्हित शंख चक्राह, जिसके गले में तुलसी की माला हो और भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह हो, ये वा ललाट फल के लसुदूर्ध पुनराह, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगा हो, ते वैष्णवाह, वो वैष्णव है, वो भगवान के भक्त हैं। तो पांच संस्कार आचार्य करते हैं, तापह, ताप संस्कार किया, शंख चक्र की मोहर लगा दी, पुंड्रम तिलक लगा दिया मस्तक पर, तथा नाम, और उसका नामकरण कर दिया। जब कोई भगवान की शरणागति करता है तो आचार्य उसका नाम रख देते, बोले क्या, बोले आज से तुम्हारा नाम गोविंद दास, माधव दास, राम दास, क्यों, बोले अभी तक तुम माया के दास थे, अभी तक संसार के दास थे, अभी तक काम के दास थे, अभी तक क्रोध के दास थे, अब तुम आज से भगवान के दास हो गए, इसलिए गोविंद दास, माधव दास, इसीलिए नाम रखा। और जीव का वास्तविक स्वरूप यही है कि ये जीव भगवान का दास है। और हम भगवान के दास हो करके अपने स्वरूप को भूल गए, इसका परिणाम ये हुआ कि हम जन्म जन्मांतर से लोगों के दास ही बनते रहे, आज तक दास बने हैं, काम के दास, क्रोध के दास, लोभ के दास बने घूम रहे, क्यों, बोले जिसके दास थे उस भाव को भूल गए, तो फिर कितनों का दास बनना पड़ा जन्म जन्म से, तो यही कर रहे। जीव का स्वरूप ही है कि जीव भगवान का दास है। वेद भगवान कहते हैं कि दास भूता स्वतः सर्वे, ये समस्त जीव भगवान के दास हैं स्वतः, ऐसा नहीं है कि भगवान ने इनको अपना दास बनाया तब ये दास बने, हम लोग जन्मजात भगवान के दास हैं। और जन्मजात क्या कहें, अनादिकाल से, क्योंकि भगवान भी सनातन है, जीव भी सनातन है, ऐसा तो है नहीं कि भगवान पहले थे हम बाद में आए, जब से भगवान है तब से हम आप हैं, भगवान भी सनातन है, हम आप भी सनातन हैं, और जब से भगवान है तब से हम भगवान के दास हैं, लेकिन माया के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए। तो वेद भगवान कहते हैं कि दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन, ये जितनी आत्माएं हैं सब परमात्मा की दास भूता हैं, सब भगवान के दास हैं, इसीलिए आचार्य नाम रख देते हैं गोविंद दास, माधव दास, रामदास। और दास बनने में बड़ा लाभ है, बहुत लोग कहते हैं दास नहीं बनेंगे हम, तो भगवान ही बन जाएंगे, हम भगवान के दास नहीं बनना चाहते, हम तो भगवान ही बनना चाहते, तो क्या बनोगे, बोले अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, हम तो उसी के हैं, हम वही हैं। तो कहते हैं देखो, दास बनने में बड़ा लाभ है। एक बड़े अच्छे संत हुए जिनका नाम काष्ठजिह्वा स्वामी, उनका एक पद है, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब तो दास भये हैं खासे, अब तो हम राम जी के दास हो गए, अब तो दास भये हैं खासे और सियबर रूप पियासे, आई दीनता बात बन गई सब सियजू की करुणा से, अब तो दास भये हैं खासे। बोले ब्रह्म नहीं बनोगे, बोले ब्रह्म बनने में बड़ा झंझट है, क्यों, बोले ये गेरुआ कपड़ा पहन करके ब्रह्म बनने तो चलते हैं, लेकिन ब्रह्म बनना तो दूर बात, ईर्ष्या द्वेष भी जीवन में समाप्त नहीं हो पाता। काष्ठ जो हुआ स्वामी जी कहते हैं, ईर्षा खाज धरी गेरुन में, ये गेरुए कपड़े में भी बड़ी ईर्ष्या है महाराज, हम किसी से कम नहीं, ईर्ष्या खाज भरी गेरुन में, वेदांतिन के वासे अब तो दास भये हैं खासे। गेरुआ वस्त्र पहनने के बाद भी
ईर्ष्या की खाज नहीं मिटती है महाराज। वेदांत में भी लड़ाई चलती रहती है, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, केवलाद्वैतवाद, अचिंत भेदाभेदवाद, अनेक अनेक वाद विवाद चलता ही रहता है, चल रहा है। इसलिए कहा दास बनने में बड़ा लाभ है। अब तो दास भये हैं खासे, सियवर रूप प्यासे, आई दीनता बात बन गई सब सियजू की करुणा से, अब तो दास भये हैं खासे। गुरु जी ने दासांत नाम रख दिया, ताप संस्कार किया, पुंडर किया, दासांत नाम कर दिया और मंत्र प्रदान कर दिया, कानों में मंत्र बता दिया। मंत्र क्या है? बोले मंत्र माने मंत्रणा, जो गोपनीय बात होती है उसी को मंत्रणा कहते हैं। जब कोई किसी से मंत्रणा करता है तो बहुत धीरे धीरे मंत्रणा करता है, कोई सुन न ले। इसीलिए जब गुरुजी मंत्रणा करते हैं, कान में मंत्र देते हैं, तो लोग कीर्तन करने लग जाते हैं, सिर पर कपड़ा रख दिया, कोई सुनने न पावे। और उस मंत्रणा का अर्थ क्या है? बोले उस मंत्रणा का अर्थ ये है कि देखो, जैसे आपको न्यायाधीश के सामने उपस्थित होना है, आपको न्याय चाहिए, लेकिन आपको ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। किसी वकील के माध्यम से, किसी न्यायविद के माध्यम से जब आप अपना पक्ष न्यायाधीश के सामने रखेंगे तब आपकी सुनवाई होगी, और जब बहस होगी तो वकील आपकी बहस करेगा, लेकिन बीच में जज साहब आपको भी बुला करके आपका भी बयान ले सकते हैं, और अगर आपने गलत बयान कर दिया तो मुकदमा बिगड़ जाएगा। तो वकील क्या करता? बोले वकील पहले ही अपने मुवक्किल को धीरे से समझा देते। बोले गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वही वकील है, और वो पहले से ही कान में बता देते हैं, देखो अगर भगवान के सामने जाना, न्यायाधीश के सामने जाना, तो ज्यादा मत बोलना, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही कहना। बोले क्या कहना है? बोले कान में धीरे से बता देते हैं, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, हम तो आपकी शरणागति कर रहे हैं, यही बोलना और कुछ मत बोलना। इसी का नाम मंत्र है। गुरु जी जो मंत्र देते हैं, क्या है? मंत्रणा है। इसी मंत्र को भगवान के सामने सुना देना, बाकी कुछ नहीं बोलना। क्यों? बोले गुरु जी ने इतना ही सिखाया है, इससे ज्यादा कुछ बोलोगे तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों? बोले तुमको सब कानून का दांव पेंच मालूम नहीं है, गुरु जी को सब मालूम है, इसलिए गुरु जी ने कहा तुम तो इतना ही बयान देना, फैसला मैं करवा दूंगा तुम्हारे पक्ष में। और शिष्य इस प्रकार जब मंत्र को प्राप्त कर लेता है, तब बोले तब अंतिम पांचवा संस्कार आचार्य कराते हैं। क्या? बोले याग संस्कार। इसी याग की बात मैं कर रहा था, यज्ञ। वो याग संस्कार क्या है? बोले फिर उस शिष्य को भगवान की शरण में साष्टांग प्रणाम कराते हुए आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभो आप इसको स्वीकार कर लो। एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम, बहुत जन्मों से अपराध कर रहा था ये, अब ये आया है, आप इसे स्वीकार कर लो। एनम रक्ष, क्यों स्वीकार कर ले? तो आचार्य कहते हैं कि नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर। हे नारायण, आप नारायण हो। नारायण का मतलब ही होता है नरस्य अयनम नारायणम, नराणाम अयनम नारायणम। नर माने जीव, अनंत अनंत जीव का जो आश्रय है, इसीलिए उसका नाम नारायण है। इसलिए कहते हैं नारायण पर दया करो, लेकिन दया से कभी कभी काम नहीं चलता। भगवान दया करें और उनको दया नहीं आई तो दया नहीं करेंगे। बोले तब बोले बात्सल्य गुण सागर, आचार्य ने कहा कि आप तो बात्सल्य गुण सागर हैं। बात्सल्य गुण क्या है? बोले बात्सल्य गुण वो गुण है जो गुण गाय के अंदर होता है। अपने बछड़े को देखकर उसके अंदर जो प्रेम उमड़ता है, उस प्रेम को ही वात्सल्य कहते हैं। वत्स के प्रति गाय का जो प्रेम है उसको कहते हैं वात्सल्य। और वो प्रेम कैसा?
बोले बछड़ा जब पैदा होता है तो उसके शरीर में कितनी गंदगी लगी रहती, मल मूत्र खून सब चिपका रहता है। लेकिन गाय क्या करती है, बोले जीभ से चाट चाट करके उसे साफ करके ऐसा सजा देती है कि जब गाय बछड़े को जन्म देती है उसके एक घंटे बाद उस बछड़े को देखो तो उसके रोएं जो होते कितने मुलायम, जैसे किसी ने कंघी किया हो, ऐसा सुंदर बना देती। उसके सारे दोष को वो भोग्य समझ करके गाय उसे ग्रहण कर लेती है, उसके दोष को नहीं देखती अपितु दोष को ही भोग्य समझ करके वो गाय उसे ग्रहण कर लेती है और उसे सुंदर बना देती। इसका नाम वात्सल्य। आचार्य कहते हैं हे प्रभो वात्सल्य गुण सागर, आप तो वात्सल्य गुण के सागर हो, इस जीव के अंदर तो दोष है ही, लेकिन इस दोष को आप ही मिटाओ, आप ही मिटा करके इसको सुंदर बना लो, अपने लायक बना लो। और इस प्रकार कह करके उस जीव को भगवान की शरण में अर्पित कर देते हैं। और भगवान के चरणों में जब आचार्य उस जीव को अर्पित कर देते हैं, इसी का नाम है। संतान को उत्पन्न करते हैं वो भी यज्ञ है, खेत में बीज बोते हैं वो भी यज्ञ है, और जिस शरीर से जीवन भर हम यज्ञ करते हैं मरने के बाद उस शरीर को भी हम अग्नि में समर्पित कर देते हैं, यह अंतिम यज्ञ होता है। इसीलिए सनातन धर्म में शरीर को अग्नि में जला देने का विधान, समाधि बना देने का, समाधि तो सन्यासी लोगों की बन जाती है क्योंकि उनके लिए शास्त्र ने अनुमति दी है कि उनका अग्नि संस्कार नहीं होगा, लेकिन सामान्यतया अग्नि संस्कार अर्थात जीवन भर हमने यज्ञ किया और जिस शरीर से यज्ञ किया इस शरीर को भी हम अग्नि देवता को अर्पित कर रहे हैं। और इसमें सब वेदों के मंत्र का प्रयोग होता है। जब शरीर को चिता में जलाया जाता है तो वहां भी लोम अभ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा मेदसे स्वाहा, त्वचा लोम शरीर के रोएं, मेद हड्डी मांस, इन सब की वो आहुति है एक प्रकार से, ये सब वेद मंत्रों में कहा गया। तो ये तो यज्ञ है, लेकिन इन सब के मूल में जो चेतन तत्व आत्मा है, वह आत्मा, उस अपनी आत्मा को, अपने आप को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, ये सबसे बड़ा यज्ञ है, अंतिम यज्ञ है, पूर्ण यज्ञ है। इसी का